जानते हैं। अच्छा बहुत अच्छे से जानते हैं तो डॉक्टर आमना जी डॉक्टर हीरा आपको हम शेयर नहीं हो सेकंड रहा। सेकंड शेयर क्यों नहीं हो रहा। अच्छा लेट टू मेक यू होस्ट। ओके अच्छा आमना आपको ऐड करना चाहेंगे लाइक आई वाज वाचिंग योर पीपीटी। बहुत अच्छी बातें आपने ऐड की हुई थी तो जी करें शेयर और बताएं कुछ जी टिप्स एंड ट्रिक्स। नजर आ रही है सबको? जी आप आई विजिबल हो गई है। नहीं ओके okay. नहीं नजर आ रही है हमें विजिबल ओके okay. अच्छा आज मैं आप लोगों को ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी आम ना अगर तो आप इसको साइड शेयर पर कर लोगे ना तो पूरी स्क्रीन नजर आएगी। ये पूरी नजर नहीं आ रही। नहीं नजर तो आ रही है लाइक एक स्लाइड शेयर की स्लाइड शो है ना यहाँ ऊपर सबसे एनिमेशन जी के जी साथ। हाँ जी जी बस अब आपको क्लिक करना होगा ये खुद ही रन करेगी। ठीक है चलें स्टार्ट करते। अच्छा आज मैंने जो सेशन लिया ना तो वो टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए कि काफी लोगों का जून में एग्जाम है, कुछ लोगों का अगस्त में एग्जाम है, तो हम लोग ये चाह रहे थे कि कुछ ना कुछ आप लोगों का आइडिया हो जाए कि आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किस तरह से करना है। तो स्टार्ट लेते हैं। अच्छा जब भी हम लोग पार्ट टू की तैयारी करते हैं ना तो हम लोग सोचते होते हैं कि मतलब हमें क्या क्या चाहिए होगा उसकी तैयारी के लिए, तो कुछ भी नहीं होता। वो ये जो हम 4 साल की ट्रेनिंग में करते हैं वो, और उसके अलावा हम कुछ गाइडलाइंस वगैरह कर लेते हैं, एग्जामिनेशन टेक्निक्स हमारी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर हमारी अच्छी होंगी तो इनशाला हमारा पार्ट टू आसानी से निकल जाता है। और जितने भी क्वेश्चन होते हैं ये सारे क्लिनिकल होते हैं, लाइक एग्जामिनर जो है वो यही सोच रहा होता है कि लाइक किस तरह से हम लोगों ने कोई पेशेंट देखा और फिर उसको हम लोगों ने किस तरह से मैनेज किया या किस तरह से हम एज अ कंसल्टेंट मैनेज करेंगे, तो वो आपसे ये सिंपल आंसर सिर्फ चाहता होता है। ठीक है तो ये थ्योरी से ज्यादा जो है ना शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्लिनिकल पर्सपेक्टिव है। अब ये कुछ थोड़ी सी टिप्स हैं, लाइक जब हमारे पास एग्जामिनेशन पेपर आता है तो उसके ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं, लाइक दिस पेपर कंटेन्स 10 SEQs और 5 SEQs एंड ईच क्वेश्चन कैरीज इतने मार्क्स और इतने टाइम का है। जब हम लोग ये देख लेंगे हमारे पास कितने शॉर्ट ऐसे क्वेश्चंस हैं और वो उसके कितना टाइम डिवाइड हुआ हुआ है और उसके कितने मार्क्स हैं, उस हिसाब से हम अपना टाइम मैनेज कर लेंगे सबसे पहले। ठीक है फिर हम एक लुक ले लेते हैं क्वेश्चन पेपर के ऊपर कि किस तरह का हमारा पेपर आया है। ठीक है और आप सबसे पहले अपना सपोज क्वेश्चन 1 पढ़ेंगे तो उसमें आपने इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है ना वो देख लेनी है, लाइक कोई भी क्वेश्चन शुरू हो रहा होगा तो वो इसी तरह से शुरू होता है कि अ पेशेंट 28 ईयर्स ओल्ड और 50 ईयर्स ओल्ड और 35 ईयर्स ओल्ड, मतलब उसकी एज मेंशन होती है। देन नेक्स्ट उसकी पैरिटी मेंशन होगी कि शी इज़ पैरा 1 और शी इज़ डेवडर 2 पैरा 1 प्लस 0 एंड समटाइम्स कुछ ना कुछ कोमोर्बिडिटी भी हमें बताई हुई होती है। सो दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। हमने हर पेशेंट की मैनेजमेंट उसकी एज पैरिटी और ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें बताई होती हैं उसको लेके हमने सब चीजों को चलना होता है। ठीक है तो ये किसी रीजन की वजह से हमें बताई हुई होती है। पूरा SEQ हम लोगों ने पढ़ लिया पूरा क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग एक दफा सोचेंगे कि अगर हमारे पास ये पेशेंट आता तो हम इसको किस तरह से ट्रीट करते और ये सारी चीजें इसकी लेके हम किस तरह से इसको चलते। ठीक है एक की हम लोगों ने अपने माइंड में बना ले ली है और फिर उसके बाद जो है ना हम लोगों ने स्टार्ट करना है। सिंपल जो मैं कहती हूँ सिंपल ये कि हम लोग एक जो हमें सबसे इजी लग रहा होता है ना उस क्वेश्चन से स्टार्ट करें तो उसमें हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ भाई हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट। सो इधर थोड़ी सी ये टिप्स मैंने बताई हुई है कि जब आप लोग आंसर आंसर कर रहे होते हैं क्वेश्चंस को तो ये कुछ थोड़े से पॉइंट्स हैं जो अगर आप लोग ऐड कर लेंगे तो बेटर लगेगा। लाइक आंसर देते हुए हम लोग अक्सर भूल जाते हैं कि वी विल इन्वॉल्व मल्टीडिसिप्लिनरी टीम। ठीक है या हम लोग काउंसलिंग के आंसर में इन्फॉर्मेशन लीफलेट्स देना भूल जाते हैं, ये अगर आप लोग पॉइंट्स ऐड कर लेंगे ना तो उसके मेरे ख्याल से अच्छा एक इम्प्रेशन पड़ जाता है और उसके मार्क्स गेन करने का ज़्यादा अच्छा वो हो जाता है। उसके अलावा काउंसलिंग में हम ये भी लिख सकते हैं कि एडिशनल काउंसलिंग वेन एवर कपल रिक्वायर्स, या जो भी पेशेंट हमारे पास आई है उसका इन्फॉर्म डिसीजन जो है ना वो हमें लेना चाहिए।
इसके अलावा एनटीडी जो है वो मोस्टली हम लोग नहीं लिखते एंटीनेटल पेशेंट्स में कि एनटीडी व्हेन एवर एप्लीकेबल इन नॉन सेंसिटाइज्ड रेसिस नेगेटिव वुमेन। और ये कुछ लाइंस हैं जिस तरह से ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल प्रोटोकॉल्स, रेफर टू टर्शरी केयर सेटअप्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड डीब्रीफिंग, फोलिक एसिड टू बी स्टार्टेड। और खास तौर पे जो मैंने अभी आप लोगों का एसीक्यू सेशन लेते हुए देखा ना कि पोस्ट नेटल एडवाइस आप लोग देना भूल जाते हैं, सो पोस्ट नेटल केयर जो है ना ये हम लोगों ने जरूर बतानी है कि हेल्दी टाइम एंड स्पेसिंग ऑफ 2 ईयर्स, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, थ्रोम्बो प्रोफाइलेक्सिस हम लोग जरूर देंगे, पोस्ट नेटल फॉलो अप हो गया, और उस पेशेंट को उसके बाद बताना है कि जब उसकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी, इस प्रेगनेंसी में अगर उसको मसला है तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए उसने पहले प्री कंसेप्शन काउंसलिंग करानी। वही जिस तरह से डॉक्टर हीरा ने पहले बताया कि सिंपल सेंटेंसेस लिखने हैं, ठीक है, बुलेट्स में लिख लें बेशक, वो ज्यादा अच्छा भी लगता है, एग्जामिनर को समझ भी आती है, और मार्क्स मेरे ख्याल से गेन करने का ज्यादा अच्छा तरीका ये है कि हम सिंपल वर्ड्स लिखें और अच्छी हैंड राइटिंग में लिखें। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्या मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं उसमें इसी तरह से क्वेश्चंस होते हैं कि हाउ विल यू मैनेज इट, डिस्कस द मैनेजमेंट ऑप्शंस, व्हाट इज द डायग्नोसिस, हाउ विल डिस्कस डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस, क्रिटिकली एवेलुएट या जस्टिफाई योर ट्रीटमेंट एंड कॉन्सर्ट। कुछ ये मैंने पॉइंट्स लिखे हैं कि कुछ इसी तरह से ज्यादातर क्वेश्चंस होते हैं, तो इनको किस तरह से हम लोग आंसर करेंगे। सबसे पहले आ जाता है मैनेजमेंट। अगर हमसे मैनेजमेंट पूछी हुई है तो वो मैनेजमेंट में हमने क्या क्या बताना है। मैनेजमेंट डॉक्टर हीरा ने पहले भी बड़ा अच्छा बताया कि मैनेजमेंट में हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट, फॉलोअप सब कुछ आ जाता है। लेकिन जब कोई ये सुनता है ना कि मैनेजमेंट में इतना सब कुछ बताना है, तो वो बंदा उसे टाइम हो जाता है कि इतना सब कुछ हम क्या सफ़े भरने। नो, सफ़े नहीं हम लोगों ने भरने। अब आगे एक एग्जाम्पल दी हुई है, एक 23 ईयर्स ओल्ड है, पैरा 1, शी प्रेजेंटेड विद सेकेंड डिग्री यूवी कोलैप्स, ठीक है, एक सिंपल सा एसिक्यू मैंने ये बनाया कि 23 साल की है औरत, पैरा 1 है और सेकेंड डिग्री यूवी कोलैप्स के साथ आ गई, हाउ विल यू मैनेज। सिंपल से आप लोग माइंड में अपने डालेंगे कि अगर हमारे पास इस तरह से पेशेंट ओपीडी में आती तो हम उसको किस तरह से ट्रीट करते। सो हमारी मैनेजमेंट के 2 कंसर्न जो है ना इंपॉर्टेंट इशूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट जो है वो बहुत यंग है, 23 ईयर्स उसकी एज है, एंड शी इज पैरा 1, अभी उसने और भी बच्चे पैदा करने हैं, और वो सेकेंड डिग्री यूवी कोलैप्स के साथ आ गई। उसका कंसर्न यही है कि अब मुझे प्रोलैप्स हो गया, क्या मैं और बच्चे पैदा कर सकती हूँ या नहीं, और वो किस तरह से होगा, और उसकी एज भी बहुत कम है। सो हम लोगों ने स्टार्ट इसी तरह से लेना है कि उसके मैनेजमेंट प्लान में 2 इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, 1 इज एज एंड सेकेंड इज पेरिटी एंड हर विश टू कंसीव। सो हिस्ट्री पॉइंट्स हम लोगों ने किस तरह से लिखे, डिटेल हिस्ट्री अबाउट ऑक्यूपेशन उसका पूछ लेंगे, ट्रामा कोई तो नहीं हुआ, ऑनसेट ऑफ प्रोलैप्स कोई प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर तो नहीं है, फैमिली में कोई प्रोलैप्स तो नहीं था, हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक कफ, कॉन्स्टिपेशन एंड एबडोमिनल स्वेलिंग एंड एसोसिएटेड यूरिनरी सिम्टम्स। ये सिंपल सी एक हिस्ट्री हम लोगों ने 4-5 लाइनों में उसकी बता दी कि हम ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछ लेंगे। देन एग्जामिनेशन, अथॉरो फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन लिखना मस्ट है। आप लोग क्या करते हैं, सिंपल डायरेक्ट पेल्विक एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन से हमें क्या क्या पता चल सकता है, फिजिकल एग्जामिनेशन से कोई अगर उसका हाइपरटेंशन हुई, ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, हमें आइडिया हो जाएगा। उसके अलावा चेस्ट इन्फेक्शन पता लग सकता है, लाइक क्रोनिक कफ है पेशेंट को, पेशेंट ने हमें हिस्ट्री में नहीं बताया लेकिन हमें उसकी चेस्ट में कोई मसला लग रहा है, या उसको कोई ओल्ड इस तरह से मसला था, टीबी की पेशेंट थी, और एब्डोमिनल मैस या साइटिस वगैरह है, तो वो हमें फिजिकल एग्जामिनेशन पे, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे पता चल जाएगा। देन पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं हम लोग, देखते हैं कि क्या प्रोलैप्स किस टाइप का है, ठीक है। देन अब इसकी इन्वेस्टिगेशंस कोई खास नहीं, हमें पता चल गया कि इट इज सेकेंड डिग्री यूवल प्रोलैप्स, देन वी विल स्टार्ट विद काउंसलिंग दैट इट्स नॉट अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन एंड दे आर कंजर्वेटिव एंड सर्जिकल ऑप्शंस टू। सो कंजर्वेटिव ऑप्शंस उसको और सिंपल से बता देंगे कि आपने लाइफ स्टाइल मोडिफिकेशंस करनी है, लाइक अगर उसको क्रोनिक कफ है या कॉन्स्टिपेशन है या पेशेंट बंद जी हो रहा क्योंकि वो सही तरह रखती नहीं थी, काइंडली अपना माइक बंद कर दें। अच्छा, लाइफ मैंने स्टाइल कंटिन्यू मोडिफिकेशंस, किया। ठीक है, लाइफ स्टाइल मोडिफिकेशंस पेशेंट को बता दी, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस बता देंगे उसको, वजाइनल पेस्टिस, देन सर्जिकल प्रोसीजर्स, क्योंकि ये पेशेंट बहुत यंग है, 23 ईयर्स ओल्ड है, तो इसके सर्जिकल प्रोसीजर में सैक्रोस्टेरोपेक्सी आएगी, हम लोगों ने उसको यूट्रस कंजर्व करना है, और उसको उसके बाद बताएंगे ये उसके बाद का है कि सर्जरी के बाद पेशेंट को एडवाइस करना है कि उसकी जो बाद में डिलीवरीज होंगी वो सी सेक्शन से होंगी, अदरवाइज उसका जो नहीं ये नहीं प्रोसीजर था हमने पर वो लैप्स हाँ बिल्कुल हमने बल्कि यहाँ मतलब आपने सही लिखा है, बिल्कुल सेक्शन होगा,
अव्वल तो ये चाहे, अगर इसको प्रेगनेंसी करनी है ना तो ये वेट करे और पैसरी यूज करे, फैमिली कंप्लीट करे फिर जी सैलरी पे जाए। और अगर बाय डिफॉल्ट जी अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो टर्मिनेशन नहीं करनी आप, उसका सेक्शन करें जैसे डॉक्टर आमने ने लिखा होगा, नॉर्मल डिलीवरी नहीं करनी जी आफ्टर एनी सर्जरी। जी डॉक्टर जी, असल में ना मैंने वो ऑप्शंस बताए थी, जैसे थे कि वजाइनल पेस्ट्री के साथ भी वो कर सकती है प्रेगनेंसी। असल में ये सैक्रोस्टेरोपेक्सी के बाद का मैंने उसको बताया कि जब हाँ प्रोसीजर के बिल्कुल, नहीं बाद नहीं हमने आप उसको किया। आपने ठीक लिखा है कि सेक्रोस्टेरोपेक्सी के बाद सेक्शन ही होगा, यू आर राइट। तो ये सिंपल सी, मतलब मेरे ख्याल से एक पेज पे ये चीज आ जाएगी, हिस्ट्री एग्जामिनेशन और काउंसलिंग और सब कुछ आ गया। तो इस तरह से इसकी मैनेजमेंट लिखनी है, ठीक है? तो इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, नहीं तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। डॉक्टर आमना, इसके अंदर पेसरीज जो हैं हमने कितने टाइम के लिए रखनी है और किस तरह की पेसरी देनी है, ये मेंशन करने की तो जरूरत नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं, नॉट नहीं एट ऑल। सिर्फ पैसरी का वर्ड लिखते हैं, ऑलरेडी इतना कुछ लिख चुके हो एंड इट्स विल बी डिफिकल्ट टू मैनेज टाइम अदरवाइज। ठीक है। ठीक है, जिसका ओपीडी में हम लोग पेशेंट को बता रहे होते हैं कि आपके ये ऑप्शंस हैं और ये आप कर सकते हैं, उसके बाद पेशेंट की चॉइस होती है, जो पेशेंट करना चाहे हम उससे पूछते हैं, उसी तरह से आपने मैनेजमेंट करनी है उसकी। तो सेकंड इज डिस्कस। डिस्कस का वर्ड आपको कई दफा मिलेगा आईसीक्यू में। डिस्कस का मतलब क्या है? डिस्कस जब भी आएगा हम लोगों ने थोड़ा सा डिफाइन कर देना है कि व्हाट इज दिस, और उसके प्रोज एंड कॉन्स बताने साथ। सो हियर इज एन एग्जांपल। अ 35 years ओल्ड पैरा टू कंप्लेंट्स ऑफ डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, हेडेक, फीवर, टेंडरनेस एंड एब्डोमिनल ब्लोटिंग अ फ्यू मंथ्स एक मिनट अ फ्यू डेज बिफोर द ऑनसेट ऑफ हर पीरियड्स। सिम्टम्स ऑफ सिवियर इनफ टू अफेक्ट हर फैमिली एंड हर लाइफ। मुझे ना असल में पूरी प्रेजेंटेशन नजर नहीं आ रही, एक मिनट। जूम इन कर लें आप डॉक्टर आमना, स्लाइड जी बस थोड़ी ठीक है, ठीक छोटी है। है। अच्छा, उसको ना सोशल लाइफ और मतलब उसकी फैमिली और सोशल लाइफ अफेक्ट हो रही है एंड आर कम्प्लीटली रिलीव्ड आफ्टर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। सो इसमें उन्होंने हमसे पूछा, वे डिस्कस ब्रीफली हर मैनेजमेंट। अब ये क्या था सिनेरियो? प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का सिनेरियो है। हमने छोटी सी उसकी डेफिनेशन बता दी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इन रिप्रोडक्टिव एज। इट इज स्ट्रेथन्ड बाय द हिस्ट्री सिम्टम्स ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज एंड इज रिजॉल्व सून आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। ये बता दिए प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता क्या है। अब पेशेंट हमारे पास आई है और हम लोग उसकी मैनेजमेंट डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम उसकी काउंसलिंग करेंगे कि ये क्या चीज़ है, ठीक है? और देन डाइटरी मॉडिफिकेशंस उसको बता देंगे। इवनिंग प्राइमरोज ऑयल जो है वो उसको दे सकते हैं। और ज़्यादातर क्या होता है कि ये जो डिसऑर्डर है ना, ये ओव्यूलेशन से रिलेटेड होता है। तो अगर हम लोग ओव्यूलेशन को सप्रेस कर दें तो वो भी ट्रीटमेंट का हो सकता है, मतलब उसकी मेन स्टे ट्रीटमेंट की। लाइक हम लोग उसको GnRH एनालॉग्स दे सकते हैं, तो उससे भी हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा। उसके बाद मेडिकल और सर्जिकल आ जाते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस। सो व्हाट आर द मेडिकल ऑप्शंस? मेडिकल ऑप्शंस में आ जाएगा, इसको COCP दे सकते हैं, डेनाजॉल दे सकते हैं। अब प्रोज एंड कॉन्स हमने बताने हैं। डेनाजॉल का बेनिफिट क्या है कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में इसका बेनिफिट है, लेकिन साइड इफेक्ट इसका आ जाएगा कि हिर्सुटिज्म हो जाएगा पेशेंट को। सो एस्ट्रोजेंस अगर हम लोग देते हैं, एस्ट्रोजेंस में सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या है? माइरीना है। बेनिफिट्स इसके यही है कि अगर उसको मेंस्ट्रुएशन में बहुत ज्यादा हैवी फ्लो है तो वो इम्प्रूव हो जाएगा। एज अ कंट्रासेप्शन भी यूज हो सकता है, लेकिन उसका फिर आगे से ड्रॉबैक क्या है कि वो पोस्ट प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को वापस ला सकता है विद इन अ फ्यू मंथ्स। उसके अलावा एस एस आर एस जो सिवियर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है उसमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। एनसेड्स दे सकते हैं हम उसको। और अगर इन सारी चीज़ों से ठीक नहीं हो रहा ना, तो फिर सर्जरी जो है ना वो हमारे पास लास्ट रिजॉर्ट होती है, बाइलेटरल ओफरेक्टोमी कर देते हैं पेशेंट। और साइकेट्रिक एवेल्युएशन जो है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फिर भी परसिस्ट कर रहा है और पेशेंट को कोई रिलीफ नहीं है तो फिर हम उसको साइकोट्रिस्ट की तरफ रेफर करते हैं। सो नेक्स्ट की तरफ चलें। डॉक्टर आमना, ये जो PMS होता है इसके अंदर एक PMS की सिम्टम डायरी भी होती है, और दूसरा ये हाँ कि इसके अंदर हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ये है, सेकेंड लाइन ये है, थर्ड लाइन ये है,
जैसे ये वाला, ये फ्लो चार्ट आपने शो किया है। हाँ बिल्कुल डॉक्टर, हमने बताया तो है ना, मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट तो ओवोल्यूशन को डिप्रेस करे, जैसे उन्होंने बोली, जैसे इन्होंने कहा है कि न्यू जनरेशन जी जी ओसीपीज ले, ठीक है। और चूंकि इसमें मूड सिम्टम्स हैं तो आप इसमें ऐसा थेराई भी मतलब ज्यादा बेहतर है, बल्कि अगर प्रीवेलेंट ज्यादा सिम्टम्स मूड के खराबी के हैं तो फर्स्ट लाइन ऐसा थेराई है, ठीक है। अगर ज्यादा प्रॉब्लम इसको लाइक जैसे ब्रेस्ट टेंडरनेस है, ये चीजें जी हैं, जी ब्लॉटिंग है, तो फिर ओसीपीज पे जाना है। और या वो चाहती है कॉन्ट्रासेप्शन और साथ में उसको इवन मूड स्विंग्स भी हैं, तब भी फिर आपने ओसीपीज ही ऑफर करनी है। दिस इज फर्स्ट लाइन, जैसे डॉक्टर ने बताया बताया कि फिर अगर इससे रिजॉल्व नहीं होता तो फिर हम हायर पे जाएंगे, डोल ज्यादा कर देंगे, या फिर जीएनएलएस पे जाएंगे। और लास्टली जैसे उन्होंने बताया कि इवन यू हैव टू गो फॉर सर्जिकल ट्रीटमेंट, आपको ओओफ्रेक्टमी करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, इसके साथ हम हिस्टेरेक्टमी क्यों करते हैं वैसे? ओओफ्रेक्टमी करनी चाहिए ना, व्हाई वी आर गोइंग फॉर हिस्टेरेक्टमी? ईएम में, मस्टेक्टमी। एंडोमेट्रियोसिस में जो मेन कल्प्रिट है वो तो ओवरी है, बट हाँ जी, यू आप हमेशा फिर हिस्टेरेक्टमी क्यों करते हो? आप ओओफ्रेक्टमी करके आ जाओ। क्योंकि हम करनी जो है, मेन है रिसाइकल हाँ, हिस्टेरेक्टमी करनी होती है। क्या है ना, तो उसमें इसलिए हम टिश्यू मेन रिमूव करते हैं एंडोमेट्रियम। क्या क्या हम जो है ये में इसमें साइक्लिकल पेन है, तो हम अगर मेंस्ट्रुएशन खत्म करेंगे ना इस यूट्रस रिमूव करके। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर एक पेशेंट जिसको MRPH है और उसकी यूट्रस ही नहीं है और शी इज नॉट मेंस्ट्रुएटिंग, उसको होगा PMS? यस और नो, लिखो चैट बॉक्स में, सिद्रा, अंजुम एंड एंड हमना, नताशा, होगा? शी हैज ओवरीज? ये तो हार्मोनल ड्रग है ना, लाइक हार्मोनल डिजीज है ना, एंडोमेट्रियोसिस और PMS, तो MRPH वाली को भी होगा, PMS भी होगा और एंडोमेट्रियोसिस भी होगा, चाहे उसके पास यूट्रस ही नहीं है, शी इज नॉट यू नो ब्लीडिंग। आप हिस्टेक्टमी भी कर दो ना किसी की और BSO नहीं करते, स्टिल शी कैन हैव PMS, एंड क्योंकि साइक्लिकल ओवेरियन साइकिल तो चल रहा है ना, वो तो सप्रेस नहीं हुआ, मेन स्टे ऑफ मैनेजमेंट तो ओवरी है जो प्रोड्यूस कर रही है प्रोजेस्टेरोन, कल्प्रिट तो प्रोजेस्टेरोन है PMS में। However, हम हिस्टेरेक्टमी पता है क्यों करते हैं कि फिर हम HRT देने में इजी हो जाते हैं, अगर हम यूट्रस नहीं निकालेंगे तो फिर हम दोबारा HRT देंगे और कंबाइंड देंगे और फिर प्रोडेस्टेडॉन देंगे और फिर प्रोडेस्टेडॉन इंड्यूस्ड PMS हो जाएगा, फिर क्या फायदा यूट्रस वो भी निकालने का, तो हमारे पास लिवरेज आ जाती है HRT देने की, दैट्स वाई इन एंडोमेट्रियोसिस एंड PMS हम साथ में हिस्टेक्टमी भी कर देते हैं ताकि सिर्फ हम इस्ट्रोजन दें, बट माय पॉइंट। और डॉक्टर हीरा, अगर हम हिस्टेक्टमी ना करें और HRT भी ना दें तो फिर क्या होगा? एक यंग पेशेंट को HRT नहीं दोगे तो क्या होगा? उठा के उसकी ओवरी निकाल दी। हिस्टेक्टमी भी ना अगर हिस्टेक्टमी भी ना करें तो फिर क्या करेगी ये प्रोसेस में? जब अगर बात अगर इतनी खतरनाक हद तक पहुंच गई है कि फर्स्ट लाइन फेल, सेकंड लाइन फेल, थर्ड लाइन फेल, और अब उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी इंपैक्ट हो रही है, यू आर गोइंग टू यू नो डू फॉर रिमूवल ऑफ ओवरीज, तो यू हैव टू रिमूव यूट्रस एज वेल, वरना पता है क्या होगा, यूट्रस रख के आ जाओगे, ओवरी निकाल के आ जाओगे, तो HRT तो देना ही देना, बोन प्रोटेक्शन है, सीवीस प्रोटेक्शन है, बहुत सारे मसले हैं इसके। वो तो आप दोगे, HRT तो लाइफ है इसकी टिल मेनोपॉज, फिर क्या होगा? फिर आप कौन सी दोगे HRT? चूंकि यूट्रस मौजूद है, यू डोंट वांट एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, यू विल ऐड प्रोजेस्टेरॉन, कंबाइंड ही दोगे ना, और कंबाइंड में ठीक प्रोजेस्टेरॉन आएगा तो फिर दोबारा PMS नहीं आएगा। है, तो अगर हम यूट्रस के इसको रिमूव कर देते हैं फिर हम लो डोज HRT देंगे इसको और सिर्फ इस्ट्रोजन देंगे। जी HRT के तो टॉपिक ही अलग है ना, उसको ना छेड़ो अभी, चलें ठीक लेकिन है, व्हेनेवर यू विल ओके। गो फॉर PMS, व्हेनेवर यू विल गो फॉर एंडोमेट्रियोसिस, और उसमें आप सर्जरी कर रहे हो, आपको BSO करनी पड़ रही है, आप हिस्टेक्टमी भी करोगे, और इसकी रीजन ये है सो दैट यू कैन गिव हर हर चॉइस्ड, हर प्रेफर्ड HRT, यू डोंट वांट टू ऐड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ठीक है, थैंक ओके ओके, अब सर देखो सेकंड लाइन में क्या यू बोला जी। उन्होंने,
इस तरह के पैचेस नहीं है, और उसके साथ माइक्रोनाइट्रोजेस्टेरॉन ऐड किया या एलएनजी ऐड किया, क्यों ऐड किया है ये, क्यों ऐड किया मुसीबत जो खुद ही जड़ थी टीएमएस की, फिर ऐड कर दिया इसको, क्यों क्यों किया है ये, सही पीएमएस के लिए कुछ नहीं खास काम कर रहा, ये एंडोमेट्रियल प्रोटेक्शन के लिए ऐड है, करना पड़ा है एंडोमेट्रियल मुसीबत। प्रोटेक्शन के लिए किया है, ठीक है, ये हाँ जी इसको विदड्रॉल ब्लीडिंग करा रहा है, एंडोमेट्रियल हाइपोप्लासिया नहीं होता है, थर्डवा सही। पॉइंट, लूटियल फेज में ऐसा क्या हो रहा है जो ये पीएमएस लूटियल फेज में ही होता है ना, क्यों होता है ऐसा, क्या होता है कार्पस लूटियम, क्या देता है प्रोजेस्टेरॉन ही देता है ना, ओव्यूलेशन नहीं होगी तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा ना, वी डोंट वांट प्रोजेस्टेरॉन बेसिकली। तो अगर हम हिस्टेरेक्टमी कर देंगे तो हम सिर्फ ईस्ट्रोजन देंगे हमारी पेशेंट जिसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी खराब हुई है, जिसमें फोर्थ लाइन पे जाके सर्जरी कर रहे हैं, उसको तो फिर देनी पड़ेगी ना। जी सही है, ठीक है डॉक्टर, हमने खैर हो गया, अब नहीं भूलेगा अब समझ आ गई, जी। हाँ जी, थैंक यू। हम ना आप कंटिन्यू करें, सॉरी। नेक्स्ट आ जाता है क्रिटिकली एवेलुएट। ठीक है, क्रिटिकली एवेलुएट जब आएगा ना, उसमें हमने सारे अवेलेबल ऑप्शंस बताने हैं कि ये ऑप्शंस हैं पेशेंट को देने के लिए, उसके प्रोज एंड कॉन्स बताने हैं, और साथ ही हम लोगों ने जस्टिफाई करना है ऑन एविडेंस बेस्ड एंड गाइडलाइंस। इसमें हमारे पास ये केस सिनेरियो है कि एक 33 ईयर्स ओल्ड प्रेजेंटेड विद हिस्ट्री ऑफ 3 स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस, शी हैज बीन मैरिड फॉर 5 ईयर्स विद नो सर्वाइविंग इशू, क्रिटिकली एवेल्युएट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रिस्क ऑफ सब्सिक्वेंट अबॉर्शन। मेरे ख्याल से इसको डिस्कस करने की जरूरत कोई नहीं है, इसको डॉक्टर हीरा ने बड़ा अच्छा डिस्कस कर लिया पहले। क्या कहते हैं, नेक्स्ट चलें नेक्स्ट की तरफ? जी ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। सो नेक्स्ट इज जस्टिफाई। जस्टिफाई में क्या है कि हम लोगों ने रीजंस बताने होते हैं कि हम लोगों ने आंसर ये क्यों किया है। सो हे इज अ पेशेंट विद हु इज 32 ईयर्स ओल्ड, प्राइमरी ग्रेविडा विद प्री एक्लेम्पसिया एट 39 वीक्स, हैज जस्ट हैड अ फिट इन लेबर, जस्टिफाई द स्टेप्स यू विल टेक इन हर मैनेजमेंट। सो पेशेंट आ गई हमारे पास फिट के साथ, तो ये प्री एक्लेम्पसिया था, एक्लेम्पसिया बन गया, हाउ वी विल मैनेज हर। अच्छा, हम लोगों ने अपने एम्स बता दिए मैनेजमेंट के लिए, अब हम लोगों ने इसको जस्टिफाई करना है, तो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन बताएंगे कि हम लोगों ने एम्स हमारे क्या है, एक तो ये कि इसको फर्दर फिट ना हो, और दूसरा ये कि इसकी मैटरनल और फीटल कोई कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो जो होनी थी वो हो चुकी है, उसके बाद अब मिनिमाइज हो जाए। अच्छा, सो वी विल स्टार्ट अवर मैनेजमेंट विद एज इट इज एन ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी, सो वी विल कॉल फॉर हेल्प, काउंसलिंग ऑफ अटेंडेंट्स कर देंगे, स्टार्ट टर्न पेशेंट टू द लेफ्ट साइड, रिसिटेशन ABC करेंगे, ऑस्कल्टेट चेस्ट, पास डबल IV लाइन, फोलीस कैथेटर, सेंड ब्लड फॉर इन्वेस्टिगेशंस, एंड देन वी विल एडमिनिस्टर मैग्नीशियम सल्फेट 4 ग्राम स्लोली ओवर 10 to 15 मिनट्स फॉलोड बाय मेंटेनेंस डोज। ये हम पहले डिस्कस भी कर चुके हुए हैं, ये वाला जो SEQ है ना, ये पहले हम लोग ग्रुप में डिस्कस कर चुके हैं। सो विल कंट्रोल BP विद एंटी हाइपरटेंसिव, असेस द फीटस, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ब्लड प्रेशर, पल्स, रिस्पायरेटरी रेट, रिफ्लेक्सेस, यूरिन आउटपुट, ये हम लोग हाफ आली मॉनिटर कर रहे होते हैं, स्टीरॉइड कवर दे देंगे, एंड देन वी विल प्लान हर डिलीवरी वंस द पेशेंट इज स्टेबलाइज्ड। सो
उसका बिशप स्कोर देख लेंगे, अगर तो उसका स्कोर बहुत अच्छा हुआ तो फिर हम लोग उसको डिलीवरी की तरफ लेके जाएंगे, अदरवाइज सिजेरियन सेक्शन हम लोग डिसाइड कर देंगे। एंड आईसीयू केयर, विजिलेंट मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर इन पोस्टपार्टम पीरियड, तो पोस्ट नेटल केयर जो है वो हम लोगों ने जरूर मेंशन करनी है साथ। मॉनिटर ब्लड प्रेशर डेली फ्रॉम द फर्स्ट 2 डेज पोस्टपार्टम एंड एटलीस्ट वंस 3 to 5 डेज पोस्टपार्टम। हेल्दी टाइम एंड स्पेसिंग ऑफ 2 ईयर्स, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस एंड पोस्ट नेटल फॉलो अप बीपी रिकॉर्ड आफ्टर 6 वीक्स। अच्छा डॉक्टर आमना, सिर्फ मैं एक चीज ऐड करूंगी, देखो थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस एज पर असेसमेंट जो भी स्कोर आता है, अच्छा, जी और अगर स्कोर 2 आता है तो 10 डेज के लिए, और अगर लेट्स सपोज एक पेशेंट का स्कोर 1 आता है तो क्या नहीं देंगे थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस? तब भी देंगे, बट वो इन द फॉर्म ऑफ मोबिलाइजेशन एंड हाइड्रेशन। दैट्स वाई डॉक्टर आमना हर पेशेंट में थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस लिख रही है, लेकिन ये मेडिकल नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हर पेशेंट जो परफ्यूरियम में है उसकी थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस तो होगी, बट मोबिलाइजेशन एंड हाइड्रेशन के तौर पे, और अगर हेपरिन ऐड करनी है तो वो एज पर असेसमेंट एंड स्कोरिंग। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो काउंसलिंग के अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं। काउंसल में हमने क्या है, पेशेंट के रिस्क असेसमेंट और मैनेजमेंट हम लोगों ने देखना होता है, एंड देन इन्फॉर्म कंसेंट जो है इट इज वेरी एसेंशियल। सो हियर इज अ 32 ईयर्स ओल्ड लेडी कम्स टू यू फॉर रिवर्सल ऑफ स्टेरिलाइजेशन, हाउ विल यू काउंसल हर? ये काफी कॉमन क्वेश्चन है और ये काफी आता है एसईक्यूज में। सबसे पहले तो हम लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन बता देना है, देन इंक्वायर हर अबाउट हर नेम, आस्किंग अबाउट द नीड्स फॉर रिवर्सल, वाई शी नीड्स रिवर्सल, कोई पास मेडिकल ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री तो नहीं है उसकी, इन्फॉर्म अबाउट द सक्सेस रेट एंड डिपेंडिंग अपॉन द सर्जन स्किल, एज ऑफ वुमेन एंड टाइम सिंस स्टेरिलाइजेशन वॉज परफॉर्म, माइक्रो सर्जिकल टेक्निक्स उसको बताएंगे कि इट इम्प्रूव द सक्सेस रेट, एनेस्थीजिया एंड सर्जिकल रिस्क हो सकते हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशन बता देंगे लाइक ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, डैमेज टू सराउंडिंग ऑर्गन्स, एनेस्थीजिया कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, एंड पॉसिबिलिटी ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी आफ्टर रिवर्सल। बेस्ट सक्सेस रेट उसका क्या है कि अगर प्रोसीजर जो है इट वॉज लेप्रोस्कोपिक स्टेरिलाइजेशन विद क्लिप्स तो उसका अच्छा सक्सेस रेट है, और अगर उसकी लेप्रोस्कोपिक डायथर्मी हुई थी या ओपन लेप्रोटमी हुई थी और फिलोपियन ट्यूब उसकी काट दी थी तो उसका इतना अच्छा सक्सेस रेट नहीं है। ये हमने काउंसलिंग में पेशेंट को ये स्टेप्स बताने होते हैं। एंड एनी क्वेश्चन? स्टेरिलाइजेशन की काउंसलिंग में वो आई थिंक हस्बैंड सीमेनालिसिस भी हम ऐड करेंगे ना, ऐसा ही है ना हमने? जी, ओके, जी मतलब वो पहले हम जी तो मेक श्योर करेंगे कि वो लाइक ओव्यूलेट भी करे और बंदा भी ठीक हो, फिर हम देखेंगे कि हमने रिवर्सल करनी है। लाइक अगर ओव्यूलेशन ही नहीं हो रही है, एमएचजी खराब है, सीमेनालिसिस भी खराब है, तो फिर क्या फायदा रिवर्सल का? तो ये चेक्स हैं इसके, प्रीडेजी किट्स में आप ऐड कर लें। तो थैंक यू आमना, थैंक यू। और बहुत तो अच्छा आप लेके चले हो कि कैसे जस्टिफिकेशन को, डिस्कशन को लेके चलना है, और हर पेशेंट में जो आपने टिप्स दी है ना शुरू वाला जो है वो दैट इज एक्सीलेंट। जैसे एमडीडी है, काउंसलिंग है, पोस्ट आप यू नो ये रटी रटाई लाइनें हैं, ये हर आपके ओब्स के पेशेंट में जी आ जाएंगी, और आपके नंबर यू नो यू कैन जी इजिली सिक्योर योर नंबर। ठीक है, तो ये दो चार जो इनकी टिप्स है ना, ये तो बिल्कुल नहीं भूलनी है आपने। तो ये जो लाइक हर देखो यस लाइक जी एमडीटी लीफलेट्स, काउंसलिंग में लीफलेट ना हुआ तो फिर क्या हुआ? सपोर्ट ग्रुप भी डाल दो अगर बुरी ये मैं बात भी है। लिखना भूल गई हूँ असल में लीफलेट, लेकिन ये अक्सर लोग भूल जाते हैं, हाँ बिल्कुल, इट्स बस ये इम्पोर्टेंट। बार बार करेंगे प्रैक्टिस तो फिर हो जाएगा। ठीक है, जी सपोर्ट ग्रुप बुरी बातों में डालने हैं, लीफलेट तो सबका ही देना है, जी तो इसलिए इन्होंने सिर्फ लीफलेट डाला है। बाकी अगर जैसे उन्होंने बोला ना कि मैं बुरी खबर है तो सिंपैथेटिक होके नॉन जजमेंटल एटीट्यूड के साथ, ये एक दो लफ्ज लिखने के भी नंबर है, अगर यू नो कोई ऐसी बात है जैसे एसटीआईज का केस है, हाउ यू कैन बी जजमेंटल? नहीं हो सकते ना, जैसे सर्वाइकल कैंसर है तो एसटीडी, लेकिन जजमेंटल नहीं होना। तो कीप प्रैक्टिसिंग, और वी विल कंटिन्यू जूम सेशंस एज वेल, एंड वी विल प्लान आवर शेड्यूल जो अगस्त में है वो कंटिन्यू रखेंगे अपने ऐसे की उसकी प्रैक्टिस। और जून वालों के लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी दुआएं, और आज बस एक ही एडवाइस है जैसे डॉक्टर आमना ने बताया, टू द पॉइंट रखो ये, और वो जो लाइक सब में आ जाती हैं बातें, एंटीनेटल और प्री प्रेगनेंसी और पोस्ट नेटल, ये सारी ये सब में डाल दो। ठीक है, तो मतलब यू कैन स्क्योर गुड मार्क्स। ठीक है।
एनी क्वेश्चन विच यू वांट टू आस्क फ्रॉम मी या फ्रॉम आमना? डॉक्टर हीरा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी कि जैसे मैं एमएस की कैंडिडेट हूँ और हम ग्रुप में भी एडेड हैं, तो जब मैं किंग एडवर्ड से बिलोंग करती हूँ, तो ज्यादातर जो डिस्कशन है वो यूएचएस या इससे रिलेटेड एफजीएमयू से रिलेटेड सारी चीजें डिस्कस हो रही होती है, पास पेपर भी है. तो थोड़ा सा फोकस किंग एडवर्ड की तरफ भी लाएं, क्योंकि उनका पेपर तरफ डिफरेंट, उनके क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं. तो देखो, अब तब इससे कोई मैंने फर्क नहीं क्वेश्चन पड़ता देखे. नताशा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एमएस किंग एडवर्ड का है या एफएमजेयू का है, क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी तो वही है, पीएमएस तो वही है. यू हैव गुड यू नो ग्रिप ऑन योर सिलेबस, फिर वो कुछ भी पूछ लें, दे कैन आस्क एनीथिंग, यू आर रेडी टू राइट. अच्छा, मैं इसमें एक बात ऐड करूंगी. नताशा, हम लोग ना यूएचएस और एफजेएमयू, केईएमयू, लम्स और इन सब के पेपर्स ना डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. सो डोंट वरी कि ओके आप लोगों के पास पेपर्स डिस्कस नहीं हो रहे, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड ओके इंशाल्लाह. ओके और हम मॉड्यूल वाइज करेंगे, ताकि आप लोग ऐसे ना रोलिंग स्टोन बनो, पीएमएस से जाओगे आगे हाइपरटेंशन में, वहां से प्रोलैप्स में और वहां से अर्ली प्रेगनेंसी में. सो वो बिल्कुल ओके ऑल एसक्यूज फ्रॉम यू नो ऑल योर पास पेपर्स जो भी रिलेवेंट मॉड्यूल के होंगे, तो मॉड्यूल भी आराम से हो जाएगा आपका और आपकी नो कवरेज भी अच्छी हो जाएगी. ओके हीरा, जो आप क्रैश कोर्स करा रही हैं उसमें हमारे ये पास पेपर हैं ये साथ में, जो हमारी अनासी की बुक्स हैं, मास रैंक, कुंजी और ऑल दैट, ये भी साथ में कवर होंगी? जो आपका क्रैश कोर्स है ना, दैट इससे तो आप निखर जाओगे ना अपने एस ए क्यूज में भी और अपने एमसीक्यूज में भी, टू द पॉइंट बात करना, नॉलेज और एवरीथिंग यू नो विल बी अप टू डेट. तो अगर आप उसमें नहीं भी हो तो प्लीज डू ज्वाइन दिस, क्योंकि आप लोगों का सिलेबस बिल्कुल एफसीपीएस की तरह है और जो आपके सिंगल बेस्ट आंसर है वो बिल्कुल एफसीपीएस की तरह है, कोई फर्क नहीं होता. मतलब जो मेरे फीडबैक है वो यही होते हैं कि 100% सेम पेपर होता है एफसीपीएस का, सिंगल बेस्ट आंसर उसमें, तो वहां तक तो आप क्रैश साथ ही. कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, तो क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा कम है, मैंने इवन थ्योरी भी ज्वाइन की थी, तो आई आई आल्सो हैव अ बेबी, तो उस पर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है 3 मंथ्स का पेट. तो अब मुझे ये मेरा थोड़ा सा कंसर्न था कि अगर मैं क्रैश कोर्स के साथ ज्वाइन कर लेती हूँ, तो फिर मेरे पास, मैं फिर बुक्स बिल्कुल ना पढ़ूँ, मास्टरिंग वेट तो कुछ भी ना करूँ, सिर्फ उसमें जो आप डिस्कस करती हैं वो हो जाएगा, दैट वुड बी इनफ. बुक पढ़ेंगी वैसे नताशा, बाय द वे विच बुक गाइड नो अवेलेबल, नॉट अ सिंगल बुक इज अवेलेबल फॉर एमएस और एफसीपीएस, एवरी बुक इज ओल्ड एंड आउटडेटेड, नो ड्यू हस्ट, नो हाई रिस्क, नो नॉट एमसीक्यूज की ईवीएम, बात कर रही हूँ, एमसीक्यू और बुक्स एमसी जो हमारी एमसीक्यू एमआरसी बुक्स, एजेंसी. एमसीक्यू बुक्स में भी इतने मसले हैं क्योंकि उनकी कीज अपडेटेड नहीं है. अभी हाइपर एमएस ग्रेवडर की गाइडलाइन 3 दिन पहले आई है, चेंज हो गई है फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट. आप कौन सी ऐसे कौन सी प्रैक्टिस बुक्स खोलेंगी जिसमें वो डिफरेंट होगी, आपकी की तो डिफरेंट है. तो मैं तो आप ये कहूंगी कि लाइक कोर्स में कोर्स को ही फॉलो कर लो, काफी है, क्योंकि एटलीस्ट सही चीज तो पता चलती है ना. बुक्स को उठा के रख दो कोई बुक नहीं है, ठीक है, बिकॉज वी आर कवरिंग यू. हम मॉड्यूल टू मॉड्यूल हर चीज तो कवर कर रहे हैं और लेटेस्ट नो एविडेंस बेस कर रहे हैं, लेटेस्ट गाइडलाइन से, चाहे वो नाइस की है या ग्रीन टॉप की है या कुटोग आर्टिकल है, तो आप कोई बुक कैसे ऐड कर सकते हो. ये सारे लाइव सेशन ही होंगे ना, क्योंकि मैंने ये पर्सनली फील किया है कि एज पर माई फीडबैक, जो औरों का नहीं पता, लेकिन अगर आपके लाइव सेशन हो ना तो आप फॉलो कर लेते हैं. अगर लाइव सेशन नहीं होते ना, अगर जैसे लाइव अगर रिकॉर्डेड एक सेशन पोस्ट हो रहा है, तो मैं कहूँगी ठीक है मैं कल कर लूँगी, ठीक है मैं परसों कर लूँगी, ठीक है चलो मेरे पास टाइम है उससे अगले दिन कर लूँगी. एज अगर हमारे लाइव सेशन साथ साथ चल रहे होते हैं ना, तो एटलीस्ट हम एक पेस पकड़ लेते हैं, एटलीस्ट कुछ को तो फॉलो करने की कोशिश करते हैं, देखें जो इतना आपके बिल्कुल बहुत लेजी हो क्योंकि जाते हैं. आपके जो थी जो शॉर्ट ऐसे क्वेश्चंस के लाइव सेशन है वो डॉक्टर आमना लिया करेंगी, और बाकी जो आपके कोर्स कंपाइलेशन करनी है पूरी टॉपिक पेज टू पेज पढ़ाना है और उसके जो सिंगल बेस्ट आंसर्स हैं वो सारा मैं कवर करूंगी. तो व्हाई यू आर वरीड, यू डोंट नीड टू रीड एनीथिंग एंड यू डोंट नीड टू फॉलो एनी बुक, यू जस्ट हैव टू फॉलो द कोर्स, दैट्स इट. तो मुझे देखो अभी अर्ली प्रेगनेंसी का जो है आपका नजर आ रहा है आपको, आप अगर थीरी कोर्स में होंगे तो आपकी अर्ली प्रेगनेंसी की पूरी बुक है, ठीक, जी जी ये लाइक ईयूएल कैसे मैनेज करना है, लेटेस्ट
गाइडलाइन के मुताबिक मिसकैरेज जो 2023 में अभी चेंज हुआ है, ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वेरियस मैनेजमेंट ऑप्शंस, और इतने नाइस तरीके से बुलेट्स बना के इन्फोग्राफिक्स के साथ, जी और जी वेरियस साइंस मैनेजमेंट कैसे करनी है, कंसिडर कब करना है, ऑफर कब करना है, बजवर्ड क्या है, एंटिटी आपको बताया, जैसे एंटिटी में फाइनल रिकमेंडेशन क्या है, क्योंकि देखो ना जीटीजी 2014 में आई है, बीसीएससी जो ब्रिटिश हेमाटोलॉजिकल सोसाइटी एंटिटी की, वो 13 में आई है, नाइस 19 में आई है, ठीक है। इसके अलावा ऐसा जो जीटीजी है इसकी सेल, बाकी एंटीबॉडीज की, वो भी 14 में आई हुई है। तो इतनी सारी गाइडलाइंस है, इसमें से फाइनल रिकमेंडेशंस क्या हैं, ये फाइनल डिसीजन है, तो ये कहाँ से मिलेगा आपको? तो ये तो आपको बहुत सारी कंपैरिजन करके गाइडलाइन से मिलेगा ना, या किसी अच्छे कोर्स से मिलेगा, आप तो बहुत हो जाओगे करते करते बंदा। अगर मैं थ्योरी और क्रैश इकट्ठे ज्वाइन कर लूँ, ऑलरेडी थ्योरी में इतना ज्यादा बंदा इधर उधर कहीं कुछ को पोस्ट हो रहा है, कभी नहीं कुछ हो रहा आप है, ना तो उसमें बेसिकली, मैं ये नहीं कह रही कि कोर्स मैं चूंकि करा रही हूँ तो इसलिए कोर्स ज्वाइन नहीं करोगे तो पास ही नहीं होंगे। तो अगर मेरा कोर्स भी ज्वाइन नहीं करते ना, बट डू ज्वाइन एनी कोर्स, अ कोर्स विच विल यू कवर एवरीथिंग, एवरी गाइडलाइन, बिकॉज राइट नाउ फॉर एमएस एंड एफसीपीएस वी डोंट हैव एनी बुक, नॉट अ सिंगल बुक। ये तो इतनी थ्योरी एफर्ट कोर्स करनी तो मैंने पड़ेगी ज्वाइन किया आपको, हुआ है, बस आप इस थ्योरी कोर्स कोर्स पे मैंने क्रश आज करें, ज्वाइन करें। तक अब देखिए अननोन लोकेशन पे आपकी दो डिफरेंट चीजें हैं प्रोजेस्टेरोन को लेके, फाइनल रिकमेंडेशंस आपको पता होनी चाहिए कैसे लेके चलनी है, टोग आर्टिकल डिफरेंट है, नाइस डिफरेंट है, फाइनल रिकमेंडेशंस आपको पता होनी चाहिए। अभी अबॉर्शन क्लियर डॉक्यूमेंट अभी आया है, आपको पता होना चाहिए सर्जिकल मिसकैरेज के क्या कॉम्प्लिकेशन है, ये आती हैं आपके पेपर में, सेप्टिक मिसकैरेज क्या है, और इतने सारे जो बीटेसीजी हैं दुनिया भर के, टॉपिक में कब कब रिपीट करना है, पीयूएल में कब रिपीट करना है, मिसकैरेज के डिफरेंट मैनेजमेंट में कब रिपीट करना है, मोलर में कब करना है, तो ये तो कोई अच्छा कोर्स ही प्रोवाइड करेगा ना, कि आपको इधर उधर खुद से कुछ समरीज बनानी नहीं पड़ेगी, आपकी चीजें क्लियर होंगी कंपैरिजन में। और अभी जैसे आपने रिकेंट फाइनेंस लॉसेस किए हैं, तो वो गाइडलाइन खुद से पढ़ोगे तो इट विल बी टू डिफिकल्ट, अगर इस तरह से करोगे विदैनिक कोर्स तो आपकी लाइफ ज्यादा ईजी हो जाएगी। तो टेल मी, अगर ये पूरा सेशन आप सुन लें अर्ली प्रेगनेंसी का, आपका एक भी टॉपिक नहीं बचने वाला, नॉट अ सिंगल टॉपिक यू विल मिस। और ये कितने 220 पेज हैं इस ई बुक के, विच आई हैव कवर्ड इन ई बुक्स। इस इतना करने के बाद अर्ली प्रेगनेंसी का नॉट अ सिंगल बेस्ट आंसर आप छोड़ने वाले हो, ना ही कोई शॉर्ट ऐसे, मतलब आपको अगर ये आती है ना अर्ली प्रेगनेंसी, द वे वी आर यू नो टेलिंग यू पीपल, टीचिंग यू पीपल, हो ही नहीं सकता आपका कोई क्वेश्चन स्किप हो जाए। अब ये सॉरी क्रैश डॉक्टर कोर्स हीरा, के हवाले इंटरप्ट से कर बात रही कर हूँ रही हूँ जी। डॉक्टर हीरा, मैंने कहा था ये हमारा जो 10 जून को एग्जाम, इसके हवाले से अगर ऐसे कि उसमें जैसे लेबर केयर गाइड और ये कुछ इम्पोर्टेंट और डिफिकल्ट चीजें हैं, ये एक दो सेशन अगर मैं जीरो एसक्यू के हमारे आप ले लें, दिन तो बहुत कम है। लेबर केयर गाइड तो आपके ओस का स्टेशन है, आपके ऐसे जो तो मैं नहीं ईएल आएगा आएगी लेबर में, वो नाइस की इंट्रापार्टम मैनेजमेंट मैनेजमेंट पे आएगी, जो मैंने कराई है आपको, नहीं डॉक्टर तब हीरा आपने यूएचएस का केयर था, करना है। डॉक्टर हीरा यूएचएस इस पास पेपर में ना डब्ल्यूएचओ लेबर केयर गाइड आई हुई है, ऐसे क्यों मैं नहीं आई वो भी मैंने कराई हुई है ना, कंपैरिजन का पार्टोग्राफ के साथ, वो एक ही आई हुई है, और वो कंपैरिजन पूछा हुआ है कि लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। जी, वो मैंने कंपैरिजन की एक ही स्लाइड है उसमें जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डॉक्टर आमना आपने बताया था उसमें पर्पस और कंपोनेंट्स लिखने हैं, तो वो उस स्लाइड से क्लियर हो जाते हैं, वो मैं ग्रुप में सेंड कर देती हूँ, मैंने उधर से जी किए हैं हाँ शॉर्ट। वो एक हाँ वो एक शॉर्ट ही करके एक ही लिखना। पेज काफी है, और बाकी डिटेल करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वो उसकी में फिल कराते हैं। ठीक है, जैसे ऑनकोलॉजी है उसका भी अजीब सा सबको मिक्स हो जाते हैं, समझ नहीं आती। देखो ऑनकोलॉजी वाकई अजीब लगती है, लेकिन इसका एक एक सोल्यूशन है, वो है रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन, पक्का कर लो ना स्टेज और स्टेज वाइज ट्रीटमेंट को, यही तो पूछते हैं पेपर में, दैट्स इट, तो वो तो याद करनी पड़ेगी। चलो ठीक है बच्चों, माई नो पीछे बच्चों रोने की आवाजें आ रही है और मेरे भी रो रहे हैं, तो सी यू टू इनदर सेशन, आई विल टेल, अभी अपडेट यू कब होगा नेक्स्ट सेशन, ठीक है, सो ओके, ओके अल्लाह हाफिज़, फीडबैक जरूर अल्लाह दीजिएगा, हाफिज। नाउ फ्रेंड्स वी विल वेट फॉर योर फीडबैक।